हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पर क्लिक करने के लिए। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फोटो मैनिपुलेशन इफेक्ट विथ ऑयल पेंट। जी हाँ, फोटो मैनिपुलेशन इफेक्ट तो हम बना लेते हैं और उसके बाद हम ऑयल पेंट कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले फोटोशॉप में जाएंगे, फोटोशॉप के अंदर जाएंगे और फोटोशॉप में अंदर न्यू न्यू के अंदर जो भी आपको साइज लेनी है वो साइज ले लीजिए। मैं फिलहाल 90x20x1080 ले रहा हूँ, जो हमारी थंबनेल की साइज होती है, और रिजोल्यूशन जो है उसका 150 रख रहा हूँ। देन ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉप्स डाउनलोड किए हैं जो गूगल से हैं, वो फ्रीली अवेलेबल है। मैं आपको इस प्रोजेक्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसका यूज करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, उसको अप्लाई करने से होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट को बनाएं और बना के मुझे शेयर करें अपने हिसाब से, कुछ अपने इफेक्ट लेके, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने कुछ प्रॉप्स लिए हैं, उसका यूज करेंगे। फिलहाल ये जीप ले लेता हूँ, मैं फिलहाल जीप को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। बैकग्राउंड लेंगे स्काई का, स्काई का बैकग्राउंड लेके हम इसका यूज करेंगे। ये स्काई का बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको हम बड़ा करेंगे। देन थोड़ा सा लेके जाएंगे इसको, इमेज को रास्टराइज करेंगे। तो ये मैं कार के पीछे लेके जाऊंगा, जीप के पीछे लेके गया मैं इसको, और जीप ऊपर आ चुकी है। इसको आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे जो भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो, मैं फिलहाल इतना रख रहा हूँ। देन डस्ट की इफेक्ट देंगे कार के लिए, सॉरी जीप के लिए, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी साइज जो है वो मैं बड़ी कर रहा हूँ। इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, इसको चाहे तो आप कट कर सकते हो या फिर इसको बैक लेके जा सकते हो, अपने हिसाब से जो भी आपको सेटिंग करना हो आप कर सकते हो, या फिर आप इसको डिलीट कर सकते हो। जो मैं यहाँ पे मास्किंग लेके करने वाला हूँ, यहाँ पे बी4 ब्रश साइज को बड़ा करेंगे ऐसे। इसको मैं यहाँ से मैं कट करने जा रहा हूँ कुछ इस तरह से, आप अपने हिसाब से जो है वो इफेक्ट दे सकते हो। अब एक न्यू लेयर लेते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद ये जो सन की इफेक्ट है उसका कलर चॉइस मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे कुछ इस टाइप का कलर जो है वो चाहिए। देन बी4 ब्रश, और मैं इसकी इफेक्ट जो है वो बॉडी कर रहा हूँ। देन मोड चेंज करेंगे यहाँ से, ओके। विविड लाइट मैंने यूज किया है और इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी इफेक्ट देनी है जीप के अंदर, तो मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ फिलहाल, और जीप के आसपास जो है वो मैं इसको इफेक्ट दे रहा हूँ। यहाँ से विविड लाइट करेंगे जो मैंने पिछले में किया था, और जीप के ऊपर लेंगे इस इफेक्ट को। देन अल्टर की प्रेस करके मैं इसको कुछ इस तरह से सेट कर रहा हूँ। हमारे मॉडल को लेके यहाँ पे जीप पे हम बिठाएंगे, ये हमारा मॉडल है, इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे ताकि जो प्रॉपरली यहाँ पे सेट हो पाए। अब मॉडल तो हमने बिठा लिया, लेकिन इसका जस्ट ड्रॉप शेडो में बनाना बाकी है। तो वो न्यू ले लेके बी4 ब्रश, और ब्रश के इफेक्ट जो है हम ब्लैक कलर में देंगे। यहाँ से शेडो दे रहे हैं फिलहाल, और साइज ब्रश की जो है वो छोटी कर लेंगे, और ब्रश की इफेक्ट हम जो यहाँ पे फिल कर लेते हैं कुछ इस तरह से। देन फिल्टर में जाएंगे, ब्लर, ब्लर के अंदर गोशियन ब्लर, आपको जितना ब्लर देना है आप दे सकते हो। फिलहाल डिफॉल्ट मैंने 20-30 इतना रखा हुआ है, इतना डन। देन अब 20 रख सकते हो, चलेगा, मैं ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे प्लस माइनस लगे तो आप अपने हिसाब से अपने मॉडल, जो भी आपको मॉडल है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। मैं अपने मॉडल के हिसाब से ले रहा हूँ, हमारा मॉडल जो है वो यहाँ पे है, और
और इसकी ओपेसिटी जो है वो मैं कम कर रहा हूँ। अब ये कुछ इफेक्ट जो है वो वियर्ड लग रही है, तो मैंने इसके लिए फिलहाल रॉक यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, तो मैं रॉक का यूज करूंगा यहाँ पे रखने के लिए। रॉक को थोड़ा छोटा करेंगे, देन इसके पैर के पास लेके जाएंगे और इफेक्ट को थोड़ी सी अच्छा लुक देने की कोशिश करेंगे। देन तो ये अब लग रहा है कि रॉक के ऊपर उसने पैर रखा हुआ है कुछ इस तरह से। देन सेट होने पर बोली ओके। देन ग्रास लेंगे हम यहाँ से, डस्ट भी है, डस्ट पियर का यूज कर लेंगे। चलो पहले डस्ट का यूज कर लेते हैं, जिस एरिया में है उसके एरिया के अनुसार हमें सारी की सारी चीजें जो है उनको पहले से ही डाउनलोड करनी पड़ती है। देन इसकी कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, कंट्रोल टी, और अपने हिसाब से हम इसको यहाँ या फिर या फिर यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं, या हम इसको नीचे लेके जाते हैं स्टोन के पीछे, कंट्रोल जे फिर डुप्लीकेट, कंट्रोल टी करेंगे और इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। अब यहाँ से मैं ग्रास लेके आऊंगा, आप इसको यहाँ पे भी ले सकते हो, कंट्रोल जे कंट्रोल टी, और इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, रोटेट कर देंगे थोड़ा सा ओके। इन सभी डस्ट को मैं अप्लाई कर रहा हूँ ई, यानी कि जो भी डस्ट की लेयर है वो एक लेयर के अंदर आ जाए, कंट्रोल ई। देन और डस्ट के मैं स्ट्रोक के पीछे रख देता हूँ ताकि डस्ट जो यहाँ पे पीछे दिखे, आगे नहीं। अब मैं क्या करूंगा, ग्रास लेके आऊंगा यहाँ से, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ग्रास की फेक आ चुकी है। अब इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ कुछ इस तरह से, स्टोन हमें नहीं दिखाना है, जो भी पत्थर हमने रखा वो दिखाना नहीं है। तो क्या करेंगे, लेयर को हम ऊपर लेके जा रहे हैं कुछ इस तरह से। एक और ग्रास है मेरे पास, उसका यूज करेंगे हम। तो क्या है कि सेंटर का ग्रास जो है वो ना दिखे, ओके। देन इस ग्रास को हम यहाँ पे नीचे लेके जाएंगे, तो कुछ इस तरह की इफेक्ट जो है हमको मिले, कंट्रोल टी। आपको जितना बड़ा या छोटा ग्रास रखना हो आप रख सकते हो। फिर है ईगल, ईगल को लेंगे यहाँ से, ईगल जो है उसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और वो हम ऐसा दिखाने वाले हैं कि रॉक के ऊपर बैठने वाला है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर, हाँ बस जस्ट बैठने ही वाला है, कुछ इस तरह की इफेक्ट हम देने वाला है। तो थोड़ा सा उसको हम ऊपर रखेंगे, देन न्यू लेयर लेंगे यहाँ से, बिफोर ब्रश, और शेडो हमें क्रिएट करना है तो ब्रश की इफेक्ट जो है छोटी करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से, देन फिल बैक, ब्लर करेंगे वापस, गॉसियन ब्लेंड देंगे, गॉसियन ब्लर जो जितना भी आपको देना हो दे सकते हो, ओके। कंट्रोल टी, ब्रश को थोड़ा सा नीचे दिखाएंगे और कुछ इस तरह से, ओके। इफेक्ट ओपेसिटी जो है कम करेंगे, देन ओके। आप ईगल को यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे ताकि वो जस्ट लैंडिंग करने वाला है कुछ इस तरह से दिखे, ये हमारा शेडो है, इसको ईगल के नीचे लेके जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ हमारा काम जो है वो हो चुका है, बस ये कलर इफेक्ट जो है हमने जिप के अंदर दी थी बस वही कलर इफेक्ट हम यहाँ पे देने वाले हैं। तो क्या करेंगे, तो जस्ट न्यू लेयर लेंगे, उसके अंदर बीफोर ब्रश, और ब्रश का कलर टोन जो है वो हम यहाँ से देने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं कुछ ऑरेंज, कुछ ये टोन ऑरेंज टोन बीफोर ब्रश, एंड साइज जो मैं इसकी छोटे कर रहा हूँ, और यहाँ पे जस्ट फिल कर रहा हूँ कुछ रफली इस तरह से, और
यहाँ पे मैं विविड लाइट डेलर में, तो कुछ इस तरह से इफेक्ट मुझे मिल रही है और मैं इसको जस्ट यहाँ पे अल्ट की प्रेस करके मैं इसको मॉडल के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दूंगा। तो ये मॉडल के अंदर आ चुका है, इसको मैं कुछ इस तरह से लेके जाऊंगा और यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट करूंगा। डन, देन ओके। ओपेसिटी जो है वो कम कर सकते हो आप यहाँ से, तो कुछ सन इफेक्ट जो है इसके अंदर भी आ रही है ऐसा दिखाना है हमें, इसलिए हमने ये सब किया है। अब बाकी बात रही कुछ कलर ग्रेडियंट की, तो कलर ग्रेडियंट कैसे करेंगे, किस तरह से हम इसका यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो कलर ग्रेडियंट का यूज कैसे करेंगे, तो न्यू लेयर ले लेते हैं फिलहाल, G4 ग्रेडियंट। कलर का यूज करेंगे हम यहाँ से कि पहला कलर जो है वो हमारा स्काई का रहेगा, कि स्काई कलर जो है वो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेकंड जो कलर, जो मिडिल का कलर है वो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपको सनराइज दिख रहा है सन, हाँ, तो उसका कलर यूज करेंगे। लास्ट वन, तो लास्ट वन क्या, मैंने डस्ट का कलर यूज किया है, डस्ट का कलर पिकअप करके मैं इसको ओके प्रेस कर रहा हूँ। देन इसको मैं फिल कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। देन मोड चेंज करके देखेंगे कौन सा वाला मोड जो है यहाँ पे सेट हो रहा है, तो ये वाला बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है, ये मल्टीप्लाई है। देन आगे देख लेते हैं, ये भी अच्छा है, आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ से सेट कर लीजिए। ठीक, तो मल्टीप्लाई का लुक जो है बहुत ही अच्छा आ रहा है फिलहाल। एक और बात हम यहाँ पे करेंगे कि न्यू ले लेंगे, देन यहाँ से जाएंगे, देन ग्रेडियंट लेंगे, यहाँ से फिल करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि ब्लैक कलर जो बेसिकली यहाँ पे आएगी वही, और एक ट्रांसपेरेंट, देन ओके प्रेस करेंगे। यहाँ से रेडियल ग्रेडियंट हमें को चाहिए यहाँ से, देन रिवर्स, कुछ इस तरह के इफेक्ट हमको यहाँ से चाहिए। कितनी चाहिए इफेक्ट, कुछ इस तरह से मुझे इफेक्ट चाहिए कुछ ऐसी, देन ओके प्रेस करेंगे यहाँ से। अगर आपको कम रखनी हो तो कम भी रख सकते हो। ओके, बिफोर ये थी, आफ्टर ये हुई, डन। अब क्या करेंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर थोड़ा सा एक्सपोजर और लेवल देंगे। पहला लेवल ले लेते हैं कि लेवल कितनी डार्क रखनी है इमेज, कितनी लाइट चाहिए हमको, वो ले लेते हैं यहाँ से, लाइट करेंगे थोड़ा सा। ओके, एक्सपोजर चेंज करेंगे कि एक्सपोजर जो है वो कितना लाइट, कितना डार्क हम कितना चाहिए, कौन से वेरिएशन में चाहिए, कितना चाहिए। डन, अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग उसको हाईलाइट करना है हमको। ओके, देन नेक्स्ट ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट चेंज करेंगे, यहाँ पे कुछ कलर जो टोन है वो ज्यादा आ चुका है, तो इसका टोन जो है हम कम करेंगे, इसकी ओपेसिटी जो है कम करेंगे, हाफ रखिए यानी कि 50%, ठीक है। कलर लुक हमको मिल तो गया अच्छा, लेकिन ये इफेक्ट जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा। अब इसको और भी प्रॉपर और अच्छी तरह से हाईलाइट प्रेजेंट कैसे किया जाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट ई, यानी कि सभी को एक लेयर के अंदर हम मर्ज कर रहे हैं। अब ये सब कुछ आप बंद कर देंगे तो भी आपकी इमेज जो है वो दिखाई देगी, क्योंकि सभी का सभी एक लेयर के अंदर आ चुका है। अब इसको मैं पहले ऑन कर देता हूं ताकि बिफोर आफ्टर हमें पता लगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर ब्लर इफेक्ट देंगे, फिल्टर, फिल्टर में जाएंगे ब्लर, ब्लर के अंदर जाएंगे इरिस ब्लर, वो क्या होता है वो देख लेते हैं।
इरिस ब्लर मीन्स आपको जितना पोर्शन चाहिए उतना हाईलाइट करो और बाकी का ब्लर कर दो, और कितना परसेंटेज में आपको कितना चाहिए वो भी आप रख सकते हो कि मुझे इतना परसेंटेज चाहिए, आप जो सर्कल को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये देखिए इफेक्ट प्रॉपरली यहाँ पे दिख रही है, इसको मैं कम कर रहा हूँ, इतनी सारी नहीं चाहिए मुझे, थोड़ी चाहिए, फिर थोड़ा सा इफेक्ट को जो आप उसको बढ़ा सकते हो। देन प्रेस करेंगे ओके। तो पहले देख लेते हैं बिफोर एंड आफ्टर कि हमारी इमेज पहले ऐसी है अभी और इससे पहले कुछ इस तरह से दिख रही थी, अभी ऐसे। देन अब क्या करेंगे इसके अंदर, एक कलर करेक्शन जो है वो आप सभी के अंदर होगा ही होगा, चाहे कुछ भी आपने जो किया हो या ना हो, कलर लुकअप के अंदर होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको कौन सा कलर जो इफेक्ट जो है वो आपके डिजाइन के अंदर रखना है। एक सिलेक्ट करके आप यहाँ पे स्क्रॉल करके आप यहाँ से नीचे ले सकते हैं और देखिए कि कौन सी इफेक्ट आपके डिजाइन के अंदर बेटर लग रही है। तो ये भी अच्छी है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए रख लेता हूँ। और ये देखिए कुछ पहले हमारी इच्छे थी, कुछ अभी ऐसी वॉर्म टाइप हो गई है, तो इसको ऑपेसिटी जो है थोड़ी कम कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारी इमेज जो है वो प्रॉपरली यहाँ से बन चुकी है। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी हम ऑयल पेंट इफेक्ट देने वाले हैं इसके अंदर। ऑयल पेंट इफेक्ट जो है हम बहुत सारी तरह से हम दे सकते हैं, तो कुछ थोड़ी सी टिप जो है मैं यहाँ से यूज कर रहा हूँ। इसको पहले जूम कर लेता हूँ ताकि दिखे कि हमारे डिजाइन कुछ इस तरह से है। इसकी कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल छे। कॉपी करने के बाद हम चाहेंगे हाई पास, यानी कि वीडियो अदर के अंदर जाएंगे, हाई पास लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे आपको सिर्फ दो देना है अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग, या फिर डेट दे सकते हो। मैं फिलहाल 1.5 दे रहा हूँ, 1.5। देन ओके प्रेस करेंगे, यहाँ से ओवरले यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देन अब इससे क्या होता है वो देखते हैं। ये हाईपास जो है हमने यहाँ से कुछ हिस्से हाईपास करेंगे तो क्या होगा, तो आपकी इमेज जो है वो थोड़ी सी शार्प हो जाएगी। ये देखिए अब मैं इन दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, कंट्रोल ई, देन कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, यानी कि इसकी डुप्लीकेट ले रहे हैं। फिर जाएंगे फिल्टर के अंदर, शार्पिंग के अंदर जाएंगे, अनशार्प मार्क्स, आपकी जो भी डिजाइन है उसको थोड़ी सी शार्प बनाएंगे ताकि हम जो इफेक्ट देने वाले हैं उसका यूज प्रॉपरली कर पाए। डन ओके। ये हमारी कुछ शार्प ऐसी थी, अभी फिलहाल पहले ऐसी थी हमारी इमेज, अभी ऐसी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऑयल पेंट की इफेक्ट देंगे, फिल्टर फिल्टर यहाँ पे आपको ऑयल पेंट मिल जाएगा, जस्ट फिल, और आपको जितना ऑयल पेंट आपको अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग रखना है आप यहाँ से रख सकते हो। एंगल वाइज देना है, बेड डिटेल देनी है आपको, स्केलेबल कितना करना है, सारी के सारी इफेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी कुछ इस तरह से। ये देखिए कुछ ब्लरी ज्यादा आपको देना है तो वो भी आप दे सकते हो, यहाँ से जितना देना हो आप यहाँ से दे सकते हो, अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। स्टाइलेज कितनी करनी है, कैसे करनी है, ओके प्रेस करता हूँ फिलहाल। ये देखिए हमारी पहले इमेज कुछ इस तरह से थी, अभी इस तरह से हो चुकी है। ये मैंने ऑयल पेंट इफेक्ट दी यहाँ से, फिल्टर के अंदर ऑयल इफेक्ट है वो मैंने दी है यहाँ से, और दूसरा इफेक्ट जो है वो हम देख लेते हैं। स्टाइल के अंदर डिफ्यूज देंगे यहाँ से। अब डिफ्यूज में लास्ट ऑप्शन जो है आपको सिलेक्ट करना है, तो आपकी डिजाइन कुछ
इस तरह से बन जाएगी। ये ऑयल पेंट इफेक्ट के साथ है, ठीक है। अब इसकी इमेज जो है हम थोड़ी सी जूम कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारी डिजाइन जो है वो बनी। ये देखिए पहले ऐसे थी, अब ऐसी हो चुकी है हमारी। ऑयल पेंट इफेक्ट हमने इसके अंदर दे दी है इसलिए। फिर थोड़ा सा हम डिफ्यूज देना चाहें तो आप दे सकते हो। मैं फिलहाल शार्प को अनशार्प मास्क कर रहा हूँ फिलहाल, ताकि और भी अच्छा लुक दे ये। इसलिए अब फेस की इफेक्ट जो है वो प्रॉपरली नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे, फेस का जो लुक है हम इस यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ। जस्ट मास्किंग करके मैं इसको जस्ट ब्रश फिल कर रहा हूँ यहाँ से, ताकि ब्रश की इफेक्ट जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे सेट हो जाए। और हाथ के अंदर भी थोड़ी सी इफेक्ट देंगे। अगर आपको कहीं भी और भी डिटेल देनी हो तो दे सकते हो, मैं फिलहाल जस्ट फेस एंड हाथों के अंदर ही दे रहा हूं। ईगल पे भी आप दे सकते हो देना चाहो तो। तो ये देखिए हमारी इफेक्ट जो है प्रॉपरली एकदम अच्छी क्वालिटी के अंदर सिंपल ही किया है मैंने, कोई भी ज़्यादा कोई भी लॉजिक नहीं लगाया है मैंने, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ही किया है और इफेक्ट के अंदर कलर करेक्शन किया है। बस आपको भी इतना ही करना है और अपनी बेसिक इमेज को अपने एक लेवल जो प्रोफेशनल लेवल के अंदर आप ले सकते हो कुछ इस तरह की टिप्स को यूज करके। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, थम्स अप जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों एक आखिरी बात, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, समझ लिया है, अगर डाउट है तो हमें क्वेश्चन जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपने पूरा समझ लिया है इसको, आपको समझ में आ चुका है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके हमको बताइए कि आपको ये इफेक्ट प्रॉपरली आ रही है या नहीं आ रही। दोस्तों जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करके उस पे ऑल लिखा होगा उसको सिलेक्ट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे नए नए अपडेट जो है आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।